राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने गरीब मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन एक दो लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। इस मौके पर राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बच्चों के साथ डांस करते नजर आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंची। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यह सातवां दिन था। यात्रा सुबह सावेर से शुरू हुई। राहुल गांधी ने तपोभूमि में जैन संत से मुलाकात की। राहुल गांधी ने बाबा महाकाल का रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के सामने दंडवत प्रणाम किया। वह मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति के पास भी कुछ देर तक बैठे रहे। धोती पहने, चादर डाले राहुल गांधी ने मंदिर के पुजारियों के मार्गदर्शन में सभी अनुष्ठान किए। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें एक अंगवस्त्रम भेंट किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का उज्जैन के रास्ते में मयंक जाट ढाबे पर टी ब्रेक हुआ। यहाँ टी ब्रेक के दौरान बच्चों के साथ राहुल, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूमते, नाचते, गाते नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जय महाकाल के उद्घोष के साथ अपना भाषण शुरू किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। राहुल ने गरीब मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन एक दो लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करते हैं उन्हें खत्म करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं। किसान में भगवान है, मजदूर में भगवान है, छोटे दुकानदार में भगवान है। देश के इन असली तपस्वियों का अपमान हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने GST नोटबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार की आलोचना की। और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारे दे देती। दो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं दिन भर और उनको जो भी चाहिए मिल जाता है, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट। ये देखो भैया ड्रोन उड़ रहा है, ये भी ले जाएंगे उठा के। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। दो लोग, पांच लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का पूरा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। और करोड़ों लोग सुबह उठते हैं। किसान 4 बजे उठता है, हाथ फट जाते हैं, खून निकलता है। मैं 2000 किलोमीटर चल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। भैया हाथ मिलाना, ये देखो हाथ मिलाया, ये किसान नहीं है, क्योंकि किसान के हाथ फटे होते हैं। उसका दर्द उसके हाथों में होता है, उसकी तपस्या के निशान उसके हाथों में होती है। और इन सड़कों पे हजारों किसानों से मैंने हाथ मिलाया और हर एक किसान मुझसे ये पूछ रहा है, घूम फिर कर ये पूछ रहा है, राहुल जी इस देश में हम तपस्या करते हैं,
इस तपस्या का हमें फल क्यों नहीं मिलता? वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।